दिख रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 26 मिला, क्या कहता है क्वेश्चन देखो। फॉर द सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन टेकिंग एज्यूम मीन एज स्कोर, 100 ऑब्जर्वेशन थे जिसका एक मीन हमने एज्यूम कर लिया क्या, फोर। मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से हमने क्या माइनस किया, फोर माइनस किया और एक नई सीरीज बना ली जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डीएक्स एफ एक्स, जो आपकी मर्जी हो आप बोल दो। द सम ऑफ अ डेविएशन, जो डेविएटेड सम सीरीज थी उसकी क्या सम कितनी थी, माइनस 11। एंड द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ दिस डेविएशन इस कितना है, 257। और ये जो डेविएशन आए थे इसके स्क्वेयर की सम कितनी थी, 257 थी। और आपको क्या फाइंड करना है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, इसमें लिखेंगे इट इज गिवन दैट एज्यूम मीन इज फोर, इट मीन्स फोर वॉज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ओरिजिनल सीरीज एक्स विच हैज 100 ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब क्या हुआ, एज्यूम मीन फोर है, व्हाट डज दैट मीन, फोर वॉज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ओरिजिनल सीरीज एक्स विच हैड कितने ऑब्जर्वेशन, 100 ऑब्जर्वेशन। अगर आप मुझे बताओ इसको ध्यान में रखते हुए अगर आपको ओरिजिनल सीरीज का क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो एज्यूम सीरीज का क्या है, मीन है, उसमें फोर को वापिस क्या कर देना चाहिए, एड कर देना चाहिए। बराबर है, आगे लिखेंगे आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फोर फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन वी गेट ए डेविएटेड सीरीज एक्स माइनस फोर। अरे बाबा, अगर सब ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस कर दिया आपने, फोर माइनस कर दिया, तो इसको बाद आपको एक डेविएटेड सीरीज मिलेगी, कौन सी सीरीज मिलेगी, एक्स माइनस फोर। एंड द सम ऑफ डेविएशन दैट इज सम ऑफ सीरीज एक्स माइनस फोर इज फाउंड टू बी माइनस 11। ये इसका पूरा इंटरप्रिटेशन है। बोलो ये बात भेजे में गई क्या सबके, ये जो एक्सप्लेनेशन आपने लिखा, दिस वुड हेल्प यू। क्वेश्चन को पढ़ो, फॉर अ सेट ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, एक सेट था एक सीरीज का जिसमें कितने ऑब्जर्वेशन थे, एक्स, टेकिंग एज्यूम मीन एज फोर, कोई भी एक कॉन्स्टेंट नंबर ले लिया जिसको क्या नाम दिया उन्होंने, एज्यूम मीन, द सम ऑफ अ डेविएशन इज माइनस 11। तो मैंने नीचे लिखा है इट इज गिवन दैट एज्यूम मीन इज फोर, इट मीन्स फोर वॉज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ ओरिजिनल सीरीज एक्स, जो ओरिजिनल सीरीज एक्स थी उसके सारे ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस किया, फोर को माइनस किया, विच हैड 100 ऑब्जर्वेशन, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग फोर फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन वी गेट अ डेविएटेड सीरीज। अगर सारे एक्स में से फोर माइनस करोगे तो आपको एक नई डेविएटेड सीरीज मिलेगी, कितनी, एक्स माइनस फोर। एंड द सम ऑफ डेविएशन दैट इज द सम ऑफ द सीरीज, कौन सा, एक्स माइनस फोर, इज फाउंड टू बी कितना, माइनस 11। यूजिंग दिस डेटा फर्स्ट वी कैन फाइंड द मीन ऑफ डेविएटेड सीरीज एक्स माइनस फोर एंड देन इफ वी एड बैक फोर वी विल गेट मीन फॉर ओरिजिनल सीरीज एक्स। ये जो बात लिखी है ये सबके भेजे में गई,
सीरीज को डिविएट किया उन्होंने, हर एक्स में से क्या माइनस किया, 4। उसकी सम आपको दे के रखी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे के रखा है। बस अब इसी डेटा को यूज करना है और इसको यूज करके हमें ओरिजिनल सीरीज का क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो आओ फिर एक फॉर्मूला लगाते हैं, मीन ऑफ डेविएटेड सीरीज इज इक्वल टू सम ऑफ डेविएशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आपको सम ऑफ डेविएशन तो ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ डेविएशन, -11, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने है, 100। तो आप चाहो तो माइनस की साइन ऊपर भी दे सकते हो, -11 डिवाइडेड बाय व्हाट, 100। ये था आपका मीन ऑफ डेविएटेड सीरीज। ये कैसे आया बेटा मीन ऑफ डेविएटेड सीरीज, सारे ऑब्जर्वेशन में से कितने माइनस करने के बाद, 4 माइनस करने के बाद। तो आप एक नया फॉर्मूला लिख सकते हो, मीन ऑफ ओरिजिनल सीरीज एक्स इज इक्वल टू मीन ऑफ डेविएटेड सीरीज, या फिर 4 प्लस कर दो, पहले 4 क्या किए थे, माइनस किए थे ना, 4 प्लस मीन ऑफ, इसको बंद करो, डेविएटेड सीरीज, वैल्यू पुट करो इसमें, व्हाट इज योर मीन ऑफ डेविएटेड सीरीज, -11/10। जो भी आएगा कितना आया फाइनल आंसर, इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हो, 4m+ करो, 11 टाइप करो, एक आपके कैलकुलेटर में और एक बटन होती है, मैं आपको बताऊं कौन सी, प्लस माइनस किसकी बटन होती है, प्लस। अगर आप -11/100 कर रहे हो तो m प्लस ही करना पड़ेगा, या तो 11/100 को क्या कर दो, सीधा m- कर दो, तो इसका आंसर डायरेक्ट आता, देखो 4 टाइप करो, m+ करो, किया, 11/100 करो, m- करो, मेमोरी रिकॉल करो, कितना आएगा, 3.89। इज दैट डिफिकल्ट, चलो फिर बात यहां तक नहीं पूछी गई थी ना, क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको, इसका आपको करेक्टेड क्या निकालना है, मीन, और उसके बाद करेक्टेड क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। आओ फिर आगे लिखते हैं, क्या दिया है, इट इज ऑल्सो गिवन दैट सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ दिस डेविएशन, ठीक है, अब नीचे लिखेंगे, इसको पार्ट वन नाम दे दो आप, ये जो भाषण लिखा आपने, इस पूरे भाषण को क्या दे दो, पार्ट वन नाम, इसको देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, पर एक बार इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए ना, तो फिर क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। दिस वॉज द पार्ट वन, अब इसका पार्ट टू सॉल्व करते हैं। It is also given that sum of the squares of this deviation is 257. It is also given that sum of the squares of this deviation is kitna, 257. It means if deviated series is x-4, then we have x-4 होल का स्क्वायर, यही होगा ना समेशन, यस, समेशन ऑफ x-4 होल का स्क्वायर, और आप इसको समेशन ऑफ dx का स्क्वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये एक डेविएटेड सीरीज है,
इज दैट ओके? एक्स का क्या बना लिया हमने? dx बना लिया. x में से क्या माइनस किया उसका? एज्यूम मीन, मतलब क्या? 4. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यहां तक सब क्लैरिटी है? नीचे लिखेंगे, इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ओरिजिनल सीरीज x इज गिवन बाय एक, कोई मुझे बताता क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का? ये रहा मेरे पास फॉर्मूला है, शॉर्टकट मेथड अगर यूज करेंगे तो. कोई एक ओरिजिनल सीरीज है एक्स, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे दिया जाता है? समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन का क्या? स्क्वायर. सो इफ वी कन्वर्ट सीरीज एक्स into another deviated series, say dx. अगर हमने सीरीज x को कन्वर्ट कर दिया एक deviated सीरीज में, जिस सीरीज का नाम क्या है? dx, then standard deviation of deviated series dx will be given by x की जगह कौन ले लेगा बेटा? dx ले लेगा. अरे कॉमन सेंस है भाई, एक बात ध्यान में रखो. एक सीरीज है क्या? x, और एक सीरीज है कौन सी? dx. x से dx कैसे बना? हर x की वैल्यू में से कितना माइनस किया? 4. मतलब चेंज इन ओरिजिन किया कि चेंज इन स्केल किया? चेंज इन ओरिजिन किया. तो हमें तो इसमें सारी चीजें पता है. वी नो, हमें दो चीजें पता है, हमें समेशन dx स्क्वायर भी पता है. कितना दिया है समेशन dx स्क्वायर इसने? 257. एंड वी ऑल्सो नो समेशन dx भी हमें पता है. कितना दिया है क्वेश्चन में? समेशन dx, सम ऑफ द डेविएशन, ये वर्ड यूज किया था, कितना है? -11. यूजिंग दिस डेटा वी कैन फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डेविएटेड सीरीज dx. वैल्यू पुट करो. बोलो समेशन dx स्क्वायर कितना था? 257. n कितना था? 100. समेशन dx कितना है? -11. और n कितना है? 100. मैं फाइनल आंसर एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे डायरेक्ट? 1.599. चलो ठीक है, राउंड फिगर में आप इसको 1.6 भी ले सकते हो. 599 इज नथिंग बट 1.6. अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो. ये क्वेश्चन है बड़ा आसान, ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो है बड़ा आसान, पर इसके लिए कुछ चीजें आपको समझनी चाहिए. क्या किया मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो. हमें पता नहीं पर कोई सीरीज थी x, से फॉर एग्जांपल 14 24 34, एक सीरीज x थी. इसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे? 14 24 और 34. हम इस एक सीरीज से x बार निकाल सकते थे, हम इस एक सीरीज से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या निकाल सकते थे? x निकाल सकते थे. x बार का फॉर्मूला क्या था? समेशन x बाय n. और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n होल का स्क्वायर. और हम निकाल सकते थे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ कौन सा? x, जिसका फॉर्मूला आता स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन
एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय क्या 100। ये काम बड़ा आसान था अगर इन्होंने एक्स सीरीज दे दी होती और हमें पता करना होता कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ क्या एक्स। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इस क्वेश्चन में वो कहना चाहते हैं कि हमने एक्स जो सीरीज थी जो थी 14 24 और से क्या 34, इसका बना लिया डीएक्स। इस सीरीज को क्या कर दिया, डेविएट कर दिया उसके एज्यूम मीन के साथ। तो हमने किया डीएक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और ये ए की वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि कितनी है 4। तो हमने कोई एक डेविएटेड सीरीज बनाई, ये इमेजिनरी नंबर है जिसकी वैल्यू आएगी कितनी 10 20 और क्या 30। और फिर आपको जो दिया था वो दिया था समेशन डीएक्स, समेशन डीएक्स इनके हिसाब से कितना था 11। और आपको दिया था समेशन डीएक्स का क्या स्क्वायर, वो कितना था 257। मतलब इन्होंने क्या किया, जहां हम एक सीरीज का स्टैंडर्ड, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, अगर मुझे x सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सीरीज x का क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं यहां पे लिखूंगा x की वैल्यू से x1 x2 x3 और नीचे करूंगा क्या समेशन x। और मैं यहां पे अगर dx किया है उसका, सॉरी इसका करूंगा x स्क्वायर, तो मेरा x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 2 और x स्क्वायर क्या आएगा 3 आएगा और मैं यहां पे करूंगा क्या समेशन एक्स स्क्वायर। अब इन दो चीजों को इस्तेमाल करके, समेशन एक्स और समेशन एक्स स्क्वायर को यूज करके मैं क्या निकाल सकता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स और एक्स बार भी निकाल सकता हूं। आप बात समझ में आ रही है। पर अगर एक्स सीरीज के जगह पे किसी ने मुझे बोला कि मैंने एक्स सीरीज को डेविएट करके कौन सी सीरीज बना दी है डीएक्स, तो मुझे मिलेगा यहां पे ऑब्जर्वेशन डीएक्स 1, यहां पे डीएक्स 2, यहां पे डीएक्स क्या 3। तो अगर मुझे इस चीज को यूज करके क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन और वेरिएंस निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो बाजू में मुझे क्या करना पड़ेगा डीएक्स का स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा डीएक्स 1 का स्क्वायर, डीएक्स 2 का भी स्क्वायर और डीएक्स 3 का भी स्क्वायर और मुझे दो सम मिलेंगी, समेशन क्या डीएक्स और समेशन क्या डीएक्स का स्क्वायर। ये दोनों चीजें आपको गिवन। वापिस क्वेश्चन पे आते हैं। हमने क्या लिखा, हमने तो वही चीजों को तो एक्सप्लेन किया है ना। यहां पे स्टार्टिंग से अगर देखो, इट इज गिवन दैट एज्यूम मीन इज 4, इट मींस 4 वाज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ओरिजिनल सीरीज एक्स व्हिच हैड कितने ऑब्जर्वेशन 100। आफ्टर सबट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन वी गेट द डेविएटेड सीरीज एक्स माइनस 4 से डीएक्स। इसी को यहां पे लिख देते अगर आपने नहीं लिखा तो। इस डेविएटेड सीरीज को क्या नाम देंगे हम, डीएक्स। And the sum of a deviation, that is the sum of the series x minus 4 or sum of the series dx is found to be कितना minus 11. Using the data, first we can यहाँ find चाहिए था, find the mean of a deviated series dx, मतलब कौन सी series बेटा dx, मतलब हमारे लिए x minus 4 and then we add back 4 to get the mean of a original series x. यहां तक कोई doubt? तो हमने मीन ऑफ द डेविएटेड सीरीज निकाल दिया, उसने 4 ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया मीन ऑफ द ओरिजिनल सीरीज। वापस आते हैं पार्ट 2 पे। इट इज आल्सो गिवन दैट अ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन इज कितना है 257। इट मींस इफ द डेविएटेड सीरीज dx इज इक्वल टू x माइनस 4, वी हैव समेशन x माइनस 4 का स्क्वायर और क्या समेशन dx का स्क्वायर। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ओरिजिनल सीरीज x इस तरह से दिया जाता है, क्या समेशन x स्क्वायर बाय n माइनस समेशन x बाय n होल का स्क्वायर, तो dx सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन dx स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन dx अपॉन n होल का स्क्वायर। कुछ चेंज नहीं हुआ, x को y से कन्वर्ट करने के बजाय x के जगह पे क्या यूज कर रहे हो dx यूज कर रहे हो। आप चाहो तो डेविएटेड सीरीज को y भी यूज कर सकते हो, जैसे 14 24 34 है, इसमें से 4 माइनस करने के बाद जो नई सीरीज बनती है उसको आप y नाम दे सकते हो या क्या नाम दे सकते हो dx नाम भी दे सकते हो। ये डेविएटेड सीरीज है, तो हमें डेविएटेड सीरीज का क्या मिल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब प्रॉपर्टी की बात आती है कि क्या किसी ऑब्जर्वेशन में से एक कांस्टेंट प्लस या माइनस करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, एक मिनट नहीं लगेगा इस चीज को समझने के लिए। मुझे बताओ दो ऑब्जर्वेशन है, एक है 10 एक है क्या 20। मुझे बताओ 10 और 20 का मीन कितना है 15।
15 अगर मीन है तो इस मीन से इस साइड डेविएशन कितना हुआ है? -5। इस साइड कितना हुआ है? इसका मतलब है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आना चाहिए? 5। इसी का मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन है अपने मीन से कितने से डेविएट हुए? 5 से। स्टैंडर्ड डेविएशन दो नंबर का निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी दो नंबर लो, उसका एक मीन निकालो, मीन बिल्कुल सेंटर में आएगा। एक ऑब्जर्वेशन इतना जिधर इधर माइनस होगा, दूसरा ऑब्जर्वेशन उतना इधर क्या होगा? प्लस होगा। तो जितने से माइनस हो रहा है और जितने से प्लस हो रहा है वही उसका क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ही अंडर रूट से आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ही किससे आता है? अंडर रूट से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कभी 5 नहीं होगा, वो क्या होगा? +-5 ही होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मीन इसका 15 है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितने का होना चाहिए? +-5। मतलब मीन अगर 15 है तो ऑब्जर्वेशन या तो 5 से ज्यादा है या तो 5 से क्या है? कम है। इज दैट क्लियर? अब इसमें छोटा सा चेंज इन ओरिजिन करते हैं। चेंज इन ओरिजिन करने के लिए 10-20 में हम क्या ऐड करते हैं? 4 ऐड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 14 और 24। अब आप मुझे बताइए 14 और 24 का मीन कितना कितना है? अब बताइए 17 से ये कितना डेविएट हुआ है? ये 17 से कितना डेविएट हुआ है? तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर x का +-5 था तो 17 मीन थोड़ी आता, करो ना गधो, चले वहां पे होशियारी करने। 14 और 24 का मीन कितना आता? 19 से इधर कितना डेविएट हुआ है? -4। इधर कितना डेविएट हुआ है? +4। तो मुझे बताइए स्टैंडर्ड डेविएशन अगर x का +-5 था तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ dx कितना होना चाहिए? इसका क्या मतलब हुआ? स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। नीचे लिखेंगे इसके, एज वी नो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। Hence, if standard deviation of dx is equal to 1.6, we can say that standard deviation of x must be कितना कितना 1.6। हो गया, आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या कहता था आपसे? क्या निकाल के दिखाओ हमको? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x निकालने के लिए आपको किन दो चीजों की जरूरत है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और क्या? मीन ऑफ x। डालो फॉर्मूला। नाउ सीवी ऑफ x इज इक्वल टू मीन ऑफ x अपॉन SD of x upon mean of x multiplied by 100। ओए multiplied by 100 नीचे ना रहे, ऊपर जा। वैल्यू पुट करो। 1.6 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट कितना आया था? कितना था? 41.13। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट आफ्टर दिस सेट। अब नीचे लिखो, हेडिंग दो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। लिखो
पहला, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सिमिलर स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज जीरो. कॉमन सेंस है, हाँ या ना बताओ. अगर सारे ऑब्जर्वेशन क्या है, सिमिलर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, जीरो. टेन और टेन दो ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन कितना है, टेन. इधर कितना डेविएट हुआ, जीरो. उधर कितना डेविएट हुआ, जीरो. तो सारे ऑब्जर्वेशन कॉन्स्टेंट या सेम रहेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ही नहीं, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशन है वही क्या है, उसका मीन है. तो मीन से ऑब्जर्वेशन डेविएट हुए ही नहीं है. तो पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ ऑल ऑब्जर्वेशन आर सिमिलर स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज जीरो. स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन, दैट इज इफ यू प्लस माइनस एनी कॉन्स्टेंट इन ऑल ऑब्जर्वेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन विल रिमेन सेम. प्रूव करना बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है. 10 और 20 का मीन कितना है, 15. 15 से इधर कितना डेविएट हुआ, माइनस 5. उधर कितना डेविएट हुआ, प्लस 5. अब 10 और 20 में आप एड कर दो 5 5, तो क्या आ जाएंगे, 15 और 25. 15 और 25 का मीन कितना है, 20. 20 से 15 इधर कितना डेविएट हुआ है, 5. 20 से 25 उधर कितना डेविएट हुआ है, 5. इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 5. तीसरा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन स्केल, दैट इज इफ यू डिवाइड और मल्टीप्लाई ऑल ऑब्जर्वेशन बाय अ कांस्टेंट, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ न्यू सीरीज इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ओरिजिनल सीरीज विद द सेम कांस्टेंट. एक मिनट नहीं लगेगा इस चीज को प्रूव करने में. लिखना हो गया, चेक करना है चेंज इन स्केल की प्रॉपर्टी को, करके देखे क्या, बताओ. एक ऑब्जर्वेशन है 10, एक ऑब्जर्वेशन है 20, मीन कितना है, 15. 15 से ये इधर कितना डेविएट हुआ, माइनस 5. इधर कितना डेविएट हुआ, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा, प्लस माइनस 5. कौन सी सीरीज है ये, एक सीरीज, ये पहला. अब इसमें करते हैं एक्स प्लस 5, मतलब क्या कर रहे हो, चेंज इन ओरिजिन. तो ये क्या होगा, 15 और 25. 15 और 25 का मीन कितना, 20. इधर कितना डेविएट हुआ, माइनस 5. इधर कितना डेविएट हुआ, प्लस 5. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डी एक्स कितना आएगा, प्लस माइनस 5. अफेक्ट हुआ क्या, नहीं. तीसरा काम करते, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 10 करते, बोलो क्या होगा, 100 और कितना, 200. मीन कितना आएगा, 150. इधर कितना डेविएट हुआ, माइनस 50. इधर कितना डेविएट हुआ, प्लस 50. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ dx1 कितना आएगा, प्लस माइनस 50. कैसे हुआ, 5 का 50. x को मल्टीप्लाई किया कितने से, 10 से, तो 5 को भी मल्टीप्लाई हो गया कितने से, 10 से. सिंपल, मतलब चेंज इन स्केल करने से अफेक्ट होता है, चेंज इन ओरिजिन करने से अफेक्ट होता नहीं है, हाँ या ना. डन, लॉक करी इस प्रॉपर्टी को. चलिए फिर अगले क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, जवाब देने की कोशिश कीजिए. कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, आफ्टर सेटलमेंट ऑफ द एवरेज वीकली वेजेस इन अ फैक्ट्री, आफ्टर सेटलमेंट के बाद कॉमा चाहिए, द एवरेज वीकली वेजेस इन अ फैक्ट्री हैज इंक्रीज फ्रॉम 8 रुपए से लेके कितना, 12. तो कुछ डिस्प्यूट चल रहा था मैनेजमेंट में और लेबर में, बाद में उन्होंने सेटलमेंट किया. तो जहां पहले एक एक लेबर को ऑन एन एवरेज वेजेस मिल रहे थे कितने, 8 रुपए, वो अब बढ़ के हो गए कितने, 12 रुपए. एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन भी इंक्रीज हुआ कितने से, 2 से लेके 2.5 तक. आफ्टर द सेटलमेंट वेजेस हैज बिकम हायर एंड मोर यूनिफॉर्म, जब ये सेटलमेंट हुआ तो वेजेस भी बढ़े और वो ज्यादा यूनिफॉर्म हुए. इस पे आपको कमेंट करना है, वेदर यू एग्री और यू डोंट एग्री.
एक तो बात है, अगर एवरेज वेजेस बढ़े हैं तो डेफिनेटली वेजेस बढ़े हैं, ये फर्स्ट पार्ट पे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये वेजेस ज्यादा यूनिफॉर्म हुए हैं, इसके लिए कमेंट करने से पहले मुझे क्या निकालना चाहिए, दोनों का सीवी निकालना चाहिए। सीवी अगर कम हुआ है तो यूनिफॉर्मिटी बढ़ी है, बराबर है। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। इफ एवरेज वेजेस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज 8 टू रुपीज 12, इट्स इविडेंट दैट द वेजेस हैज बिकम हायर। वेजेस बड़े हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाउएवर वेदर वेजेस आर मोर वेदर हाउएवर टू फाइंड लिखो हाउएवर टू फाइंड वेदर वेजेस आर मोर यूनिफॉर्म और नॉट वी विल हैव टू चेक the CV before settlement and after settlement. If CV decreases, we can say that wages are more uniform, else otherwise का मतलब क्या नहीं है, तो आइए फिर अपन निकालते हैं। सीवी बिफोर सेटलमेंट, सीवी का फॉर्मूला बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउ मीन, पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन 2, पहले का मीन 8 मल्टीप्लाइड बाय कितना 100, बोलो 8 का 4 50% होता है तो 2 25% होगा। अरे बाबा कॉमन सेंस लगाओ ना, 8 का 4 50% होता है तो 2 कितना परसेंट होगा 25%। फिर हम लिखेंगे सीवी आफ्टर सेटलमेंट, कितना हो गया 2.5 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय क्या 100, कितना आता 20.83%। भाई भले ही एवरेज वेज बढ़ा है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी बढ़ा है साथ में, और इंक्रीज इन स्टैंडर्ड डिविएशन इज मोर देन द इंक्रीज इन एवरेज वेज, सुनो मेरी बात, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड डिविएशन इज मोर देन द इंक्रीज इन स्टैंडर्ड वेज। रेशो घटा क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर की बढ़ोतरी ज्यादा है, किससे, डिनोमिनेटर की बढ़ोतरी से, मतलब मैनेजमेंट में चाल चली, वर्कर में कुछ वर्कर की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जो पहले से ही ज्यादा अर्न कर रहे थे, तो उसकी वजह से क्या बढ़ गए एवरेज वेज, पर स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ा मतलब जो गैप थी वर्कर के वेजेस में वो भी क्या हो गई बढ़ गई। इंडिया के जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के साथ भी यही होता है, हम देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर इंडिया का क्या बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है और पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है, पर क्या इससे हर एक आम इंसान अमीर होता जा रहा है क्या, नहीं, जो अमीर है वो बहुत ज्यादा क्या हो रहे अमीर हो रहे, और जो गरीब है वो या तो गरीब रह रहे या पहले से भी ज्यादा क्या हो रहे गरीब हो रहे। तो भले हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, भले हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, बट जो अर्निंग में स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसको हम डिस्पेरिटी ऑफ इनकम या इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ भी बोलते हैं, या इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, ये भी क्या हो रहा है समय के साथ बढ़ रहा है, और इसकी कोई बात नहीं करता। अगर हम डिस्पेरिटी ऑफ इनकम या इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर देखें तो हमें पता चलेगा ये क्या चीज है। अभी आपका सीए फाउंडेशन है, पहले सीए सीपीटी हुआ करता था, सीपीटी में मैक्रो इकोनॉमिक्स था, जो अब आपका कट होके पोर्शन सीए इंटरमीडिएट में चला गया, वहां पे आप डिस्पेरिटी ऑफ इंडेक्स के लिए गिनी इंडेक्स निकालोगे, गिनी इंडेक्स इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पॉपुलेशन। आइए क्या लगता है अब आपको कि वेजेस बढ़े हैं, हाँ ये सही है, पर क्या ज्यादा यूनिफॉर्म हुए है क्या, नहीं, हाँ ज्यादा यूनिफॉर्म हुए है, हुए सॉरी, सो होल माई कमेंट वॉज अपोजिट, वेजेस बड़े भी है और ज्यादा यूनिफॉर्म भी हुए है, क्योंकि सीवी भी क्या हुआ है
कम हुआ एंड इट इज अ गुड साइन. चलो लिखते हैं, एज सीवी हैज डिक्रीज. इसका मतलब है कि एवरेज ज्यादा बड़ा है डेविएशन से. एवरेज 8 से बढ़ के कितना हो गया 12, पर डेविएशन 2 से बढ़ के कितना हुआ है सिर्फ 2.5. इसी वजह से सीवी घटा है. एज सीवी हैज डिक्रीज वी कैन से दैट वेजेस आर मोर यूनिफॉर्म. ठीक है, चलो अच्छा है. कठिन था आसान था? एक होता है रटना और एक होता है समझना. तो हमारे सीए के कोर्स में रटना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? समझना. कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अगला क्वेश्चन देखो कितना फालतू क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर क्या 28. एन दिया है, समेशन एक्स दिया है, समेशन एक्स स्क्वायर भी दिया है. क्या करना है आपको? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है. तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लो. कहा है बाबू स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला? ये लिखाया था आपको? लिखो ना, फिर समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लिखो. वी नो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू. अब बाबा यही तो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना. ये बताओ मुझे, ये जो समेशन एक्स बाय एन है ये और क्या है? मीन ही तो है. सब तो दिया हुआ है भगवान ने. क्या पुट करो उसमें? वैल्यू पुट करो. बोलो समेशन एक्स स्क्वायर दिया है क्या? कितना? 1530. एन दिया है क्या? 10. समेशन सॉरी एक्स बार डायरेक्ट ही दे दिया. कितना? 12. आंसर बताओ कितना आया? 3. अब क्या निकालना है आपको? सीवी. वी ऑल्सो नो, कुछ पता तो होगा आपने को, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन. मतलब कितना? 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय क्या? ए 12 पे 6 मतलब 50%, तो 3 मतलब कितना? 25%. चलो अब हेडिंग देंगे आप लोग, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. हेडिंग देंगे कंबाइंड मीन होता है ना दो ग्रुप का, जैसे मार्क्स ऑफ बॉयज थे और मार्क्स ऑफ क्या थे? गर्ल्स थे. तो हेडिंग देंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो जैसे कंबाइंड मीन निकाल सकते हम चाहे तो कंबाइंड क्या निकाल सकते? स्टैंडर्ड डेविएशन. लिख लो इसमें, इफ देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इफ देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस कंटेनिंग एन वन एंड एन टू ऑब्जर्वेशन एंड एक्स बार वन एंड एक्स बार टू as respective arithmetic mean and S1 and S2 as respective SDs. दो ग्रुप्स है, दोनों के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है आपको, N1 पता है, N2 पता है. पहले ग्रुप का मीन पता है X बार 1, दूसरे ग्रुप का मीन पता है क्या? X बार 2. पहले ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है क्या? सिग्मा 1. और दूसरे ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है क्या? सिग्मा 2. अब कंबाइंड अगर करना है तो पहले आपको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा? कंबाइंड मीन. कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है? एन वन एक्स बार वन प्लस एन टू एक्स बार टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू. फिर आपको डी वन एंड डी टू निकालना पड़ेगा. डी वन है एक्स बार वन माइनस एक्स बार और डी टू है एक्स बार टू माइनस एक्स बार. तो इसको बोलेंगे हम एक्स बार वन टू. पहले और दूसरे ग्रुप का कंबाइंड मीन मतलब एक्स बार क्या कहलाता है?
वन टू कहलाता है। और फिर फाइनली आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा इस फॉर्मूले से। थोड़ा अजीब है, लेंदी है, बट काफी यूजफुल है। सीए फाइनल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नाम का एक चैप्टर है। पोर्टफोलियो मतलब आपका स्टॉक मार्केट का जो आप मैनेजमेंट करते हो, उसमें एनालिसिस करते हो और अपने क्लाइंट को या अपने इन्वेस्टर को ये बताते हो कि उनके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट बेहतर है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहां पे आपको ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करना होता है। Nobody will tell you the logic to find the formula of a combined standard deviation. They will simply put the formula and put the value therein. आइए प्रैक्टिस करते, पहले लिख तो लीजिए। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एन वन सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस एन टू सिग्मा वन का सिग्मा टू का स्क्वायर प्लस एन वन एन डी वन स्क्वायर प्लस एन टू डी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू। हो गया, बस इतना भारी और कोई फॉर्मूला है नहीं, मतलब लिखने को जटिल इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला है नहीं। एंड हो रहा है ना चैप्टर का। आओ ना क्वेश्चन नंबर 29 क्या करते हैं। ये अलग है 29 अपना, सॉरी ये तो आप होमवर्क मार्क कर लो। कौन सा क्वेश्चन? 29। अरिथमेटिक मीन ऑफ रन स्कोर्ड बाय थ्री बैट्समैन कौन है? अमित, सुमित एंड कपिल। अमित के एवरेज रन है कितने? 50। सुमित के कितने? 48। और कपिल के कितने? एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन है 15, 12 और 2। हु इज द मोस्ट कंसिस्टेंट? इफ वन ऑफ द थ्री इज टू बी सिलेक्टेड, आप किसको सिलेक्ट करोगे? किसको सिलेक्ट करोगे? जिसका सीवी कम है। होमवर्क मार्क करो, करके लाना करो। चलो अब नीचे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 30। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 30 में? द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय टू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कंसिस्टिंग, पहले इसमें कितने स्टूडेंट है? 50 ईच। और दूसरे मतलब 50 ईच मतलब पहले ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 50। दूसरे ग्रुप में भी कितने? 50। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय ऑल द कितने? 100 स्टूडेंट। ग्रुप वन का मीन है 60, स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, ग्रुप टू का मीन है 2 और स्टैंडर्ड डेविएशन है कितना? 7। चालू हो जाओ, मेरे काम का इंतजार मत करो। जो ऊपर फॉर्मूले में लिखा है वही यूज करेंगे। सॉल्यूशन पहले क्या फाइंड करेंगे अपन? कंबाइंड मीन। वैल्यू बताते मुझे कंबाइंड मीन के लिए। N1 कितना है? 50। N2 सॉरी x बार 1 कितना है? x बार 1 कितना है? 60। N2 कितना है? 50। x बार 2 कितना है? 50। अरे हाँ, N1 कितना है? 50। N2 कितना है? 50। अच्छा, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते क्या बिना झंझट के? करो। 50 × 60 m प्लस, हेलो 50 × 60 क्या करो? m प्लस। 50 × 55 क्या करो? m प्लस। मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 100 करो। अरे बड़ा आसान है ना, देखो 50 × 60 m प्लस, फिर 50 × 55 m प्लस, मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 100 कितना? 57.5।
अब D1 D2 फाइंड करो। D1 मतलब एक एक ग्रुप के मीन में से उसका कंबाइंड मीन क्या करना है आपको, माइनस करना है। X बार 1 आपको पता है कितना है, 60, इसमें से माइनस करेंगे कितना, 57.5, कितना आएगा 2.15 के 5 इधर माइनस करो, दूसरे ग्रुप का एवरेज कितना है 55, माइनस क्या करोगे 57.5, कितना आता -2.5। आओ फिर कंबाइन मीन में फार्मूले में वैल्यू डालते हैं, वॉट इज योर N1, वॉट इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप कितना 8, वॉट इज योर N2 50, वॉट इज योर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप। अगेन योर N1 इज 50, वॉट इज द वैल्यू ऑफ योर D1 2.5, अगेन योर N2 इज 50, वॉट इज द वैल्यू ऑफ योर D2 फाइनल आंसर कितना। अभी आपको करना है ये काम, ये सॉल्व करके देना, मेरा काम नहीं है। अरे कितना 7.92, इट इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। इफ द मीन ऑफ टू सैंपल साइज 500 एंड 600 N1 और N2 दिया है, जिसका मीन है 186 एंड 175, द करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन कितने थे 9 एंड 10। वेरिएबल स्टडीज वॉज हाइट इन सेंटीमीटर्स, ऑब्टेन द मीन एंड वराइंस ऑफ कौन सा सैंपल कंबाइंड। तो मीन तो निकाल लेते हैं कंबाइंड सैंपल का, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर वराइंस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और कंबाइंड वराइंस का फार्मूला क्या होगा, कंबाइंड मीन सॉरी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन कंबाइंड मीन इंटू 100। होमवर्क कर सकते हो, मार्क करो। 32 क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन। आफ्टर द सेटलमेंट एवरेज वेजेस इन अ फैक्ट्री हैज इंक्रीज फ्रॉम 8000 से कितना 12000, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन हैज इंक्रीज फ्रॉम 100 से लेके कितना 150। आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ वेजेस हैज बिकम हायर एंड मोर यूनिफॉर्म, आप एग्री करते हो या नहीं, इसको कर सकते हो घर पे। सीवी घटा तो क्या है, यूनिफॉर्म है, और बढ़ा तो यूनिफॉर्म नहीं है। क्या था बताओ इस चैप्टर में, क्या क्या सीखे हो? चैप्टर का नाम क्या था, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमने चार कौन से मेजर्स पढ़े, एब्सोल्यूट मेजर, और चार पढ़े रिलेटिव मेजर। पहला एब्सोल्यूट मेजर रेंज, उसका रिलेटिव मेजर, दूसरा कर्टाइल डेविएशन, उसका रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ कर्टाइल डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन, उसका रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, उसका रिलेटिव फॉर्मूले बताओ, रेंज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी कर्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कर्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन का फॉर्मूला, समेशन एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन,
कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अपॉन मीन, ऐसा मीन के लिए भी हो सकता है, मेडियन के लिए भी और मोड के लिए भी। तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट मेथड से, समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन n, शॉर्टकट मेथड से समेशन x स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन x अपॉन n होल का स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। बोलो मीन चेंज इन ओरिजिन से अफेक्ट होता है, मीन मीन्स चेंज इन ओरिजिन से अफेक्ट होता है या नहीं, मीन चेंज इन ओरिजिन से अफेक्ट होता है या नहीं, होता है। मीन चेंज इन स्केल से अफेक्ट होता है या नहीं, होता है। मीन चेंज इन साइन से अफेक्ट होता है या नहीं, होता है। साइमल्टेनियस चेंज इन ओरिजिन स्केल एंड साइन किया तो अफेक्ट होता है क्या, हाँ वैसा का वैसा। क्या रेंज चेंज इन ओरिजिन से अफेक्ट होता है क्या, पक्का बताओ। 10 और 20 की रेंज क्या है, 10, दोनों में 100-100 ऐड करो, 110 और 120 की रेंज क्या है, अफेक्ट हुआ क्या, तो मुझे बताइए रेंज चेंज इन स्केल से अफेक्ट होता है क्या। कहा ना, मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए, दिमाग में चलना चाहिए। 10 और 20 की रेंज क्या है, 10, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करो, 100 और 200 की रेंज क्या है, अफेक्ट हुआ क्या, फिर क्यों, हाँ ना हाँ ना। जब जो दो जवाब है तो आधी क्लास हाँ बोलेगी और आधी क्लास ना बोलेगी, ऐसा चलेगा क्या। ठीक, कर्टाइल डेविएशन चेंज इन ओरिजिन से अफेक्ट होता है क्या, अच्छा कर्टाइल डेविएशन बाद में, कर्टाइल चेंज होते हैं क्या, अरे बाबा 1, 2, 3, 4, 5, 6 का Q2 कितना है, Q1 कितना है, 2, Q2 कितना है, 5, सब में 10 ऐड कर दो तो 10, 20, 10, 12, 13, 14, 15 का Q1 कितना आएगा, 12, और Q3 कितना आएगा, 15, अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, अरे हाँ कि ना। अगर कर्टाइल अफेक्ट होता है तो कोएफिशिएंट सॉरी कर्टाइल डेविएशन भी अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। पहला आपका कर्टाइल डेविएशन था 5 - 2/2, अब आएगा 15 - 12/2, कितना तो आसान है। क्या सच में चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल की प्रॉपर्टी को एसेस करना और जज करना कठिन काम है क्या, बिल्कुल समय नहीं लगता, और समय लगा भी और कंफ्यूजन हुआ भी तो क्या उठाने का, 10, कितने ऑब्जर्वेशन लेने के, जहां काम बनता वहां 2, और हिसाब लगा के देखने का अफेक्ट होता है कि अफेक्ट नहीं होता है, और फॉर्मूले खुद डेवलप करो, इसको रट रटा के कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वेरी गुड। तो फिर अब कल आपको न्यू ईयर की छुट्टी है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, अपना नया साल सावधानी से मनाइए, हो सके तो बाहर मत ही जाइए, बाहर का मत ही खाइए, घर पे बनाइए घर पे खाइए, कल छुट्टी लीजिए, और फिर अपना नया साल अपन 2 तारीख से सैटरडे से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल हो सके तो ये पूरी एक्सरसाइज न्यू ईयर के नाम पे पुराने साल में ही दफन कर दो, इसकी लाश को लेके नए साल में मत जाओ। तो इसका पूरा पोस्टमार्टम आपको करना है अभी के अभी, और विशेष तौर पे जो एग्जाम देने जा रहे हैं पर्टिकुलरली जैन में, जिन्होंने ऑप्ट आउट किया था वो लोग, और बाकी जो मई में देंगे अगर नसीब ने साथ दिया तो, या तो फिर जून जुलाई अगस्त या जब भी देंगे, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी चाहिए। डाउट है तो आप मुझे इंडिविजुअल या क्लास में पूछ सकते हैं।